विधायिका कानून बनाती है और कार्यपालिका नियम लागू करती है। किसी से गलती होती है, विवाद होता है, तो न्यायपालिका फैसला सुनाती है जो सबको मानना होता है। ये भारत में शक्तियों का विभाजन है। लोग भी अदालतों को आखिरी उम्मीद की तरह देखते हैं कि चाहे जितनी नाइंसाफी हो जाए, अदालत में हिसाब होगा। लेकिन कई अदालतों में बैठने वाले जज ही आरोपी बन जाते हैं। ऐसा ही मामला सामने आया है, छोटी मोटी अदालत में नहीं, हाई कोर्ट में। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज एसएन शुक्ला पर भ्रष्टाचार का इल्जाम है। इन्हें पद से हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के दो दो चीफ जस्टिस प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिख चुके हैं, मगर जस्टिस शुक्ला अभी तक पद पर टिके हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने प्रधानमंत्री मोदी को फिर से चिट्ठी लिखी है। ये रिमाइंडर है कि जज एसएन शुक्ला हटाए जाएं, उनके खिलाफ संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाया जाए। महाभियोग वो इकलौता तरीका है जिससे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के किसी जज को हटाया जा सकता है। ये क्या होता है और जस्टिस शुक्ला के मामले में इसकी जरूरत क्यों पड़ी, आज यही बताएंगे हम आसान भाषा में। सवाल, कौन है जस्टिस शुक्ला? पूरा नाम जस्टिस श्री नारायण शुक्ला, इलाहाबाद के ही रहने वाले हैं। दीवानी के कद्दावर वकील हैं, यूपी सरकार के अपर महाधिवक्ता बनाए गए। साल 2005 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में एडिशनल जज बने। करीब दो साल बाद 10 अगस्त 2007 को परमानेंट जज बना दिए गए। उनका कार्यकाल 17 जुलाई 2020 तक है, रिटायर होने में कोई एक साल का वक्त बचा है। इससे पहले ही उन्हें हटाने के लिए संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाने की चर्चा है। पूरा मामला कहां से शुरू हुआ? लखनऊ में एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, नाम है प्रसाद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। इस मेडिकल कॉलेज को बीपी यादव और पलाश यादव का प्रसाद एजुकेशन ट्रस्ट चलाता है। 2017 में केंद्र सरकार ने एक आदेश जारी करके प्रसाद इंस्टीट्यूट समेत देश भर के 46 मेडिकल कॉलेजों में 2018-19 तक नए एडमिशन पर रोक लगा दी गई। एमसीआई की जांच के मुताबिक इन कॉलेजों में मेडिकल की पढ़ाई के लिए बुनियादी सुविधाएं ना होने के आरोप थे। सरकार के फैसले के खिलाफ प्रसाद एजुकेशन ट्रस्ट समेत कई मेडिकल कॉलेज संचालक सुप्रीम कोर्ट चले गए। मामला चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की बेंच ने सुना। बेंच की ओर से कुछ कॉलेजों को कुछ खास राहत नहीं मिली। राहत मिली लखनऊ वाले प्रसाद एजुकेशन ट्रस्ट को। 24 अगस्त 2017 को सुप्रीम कोर्ट की ओर से प्रसाद एजुकेशन ट्रस्ट को दो राहत मिली। पहली, ट्रस्ट सुप्रीम कोर्ट से अपनी रिट वापस ले सकता है। दूसरी, ट्रस्ट कुछ प्रावधानों के साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट जा सकता है, जबकि उसकी एक रिट पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट में खारिज हो चुकी थी। जस्टिस एसएन शुक्ला की भूमिका कहां से शुरू हुई? बहरहाल अगले ही दिन यानी 25 अगस्त 2017 को प्रसाद एजुकेशन ट्रस्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंच गया। यहां मामला सुना जस्टिस एसएन शुक्ला की बेंच ने। बेंच ने प्रसाद एजुकेशन ट्रस्ट को एडमिशन के लिए काउंसलिंग शुरू करने की इजाजत दे दी। ये उस वक्त बहुत बड़ा फैसला था। देश भर के तमाम मेडिकल कॉलेज एडमिशन नहीं कर पा रहे थे, तब अचानक एक कॉलेज को एडमिशन प्रक्रिया शुरू करने की इजाजत मिल गई। जस्टिस शुक्ला का यही फैसला अब उनके लिए मुसीबत का सबब बन गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ एमसीआई ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट ने 18 सितंबर 2017 को एडमिशन प्रक्रिया पर फिर से रोक लगा दी। इस आदेश की खास बात यह थी कि इसे 21 सितंबर 2017 को सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किया गया। इस आदेश से ठीक दो दिन पहले यानी 19 सितंबर के दिन सीबीआई ने इस पूरे मामले में भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ किया था और रिश्वतखोरी होने के इल्जाम लगाए थे। आरोप लगा कि उड़ीसा हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज आईएम कदूसी समेत अन्य आरोपियों ने कोर्ट के जरिए प्रसाद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में एडमिशन का रास्ता साफ कराने का काम अपने हाथ में लिया, फिर अदालत को काम कराने के लिए मैनेज करने का प्रयास किया गया। इस केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट के दो जज जस्टिस एसएन शुक्ला और जस्टिस वीरेंद्र कुमार जांच के दायरे में आ गए। जस्टिस एसएन शुक्ला का नाम सीबीआई की एफआईआर में नहीं था, मगर सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच के लिए तीन जजों की एक कमेटी बना दी। तीन जजों की इनहाउस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि जस्टिस एसएन शुक्ला के खिलाफ भ्रष्टाचार के पर्याप्त सबूत हैं, उन्हें फौरन पद से हटाया जाए। जनवरी 2018 में ये पूरी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के तब के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा को सौंपी जा चुकी थी। कमेटी ने जस्टिस शुक्ला को उनको अपने अधिकारों का दुरुपयोग करने का दोषी माना और उन्हें पद से हटाने की सिफारिश की। सवाल, जस्टिस शुक्ला पर क्या कार्रवाई हुई? तब के सीजीआई जस्टिस दीपक मिश्रा ने जस्टिस एसएन शुक्ला से कहा कि या तो वो खुद इस्तीफा देकर चले जाएं या फिर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति यानी वीआरएस ले लें।
मगर जस्टिस शुक्ला ने पद छोड़ने से इनकार कर दिया और छुट्टी लेकर चले गए। इस पर चीफ जस्टिस ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर मांग की कि जस्टिस शुक्ला के खिलाफ संसद में महाभियोग का प्रस्ताव लाया जाए। अब जस्टिस गोगोई ने फिर चिट्ठी लिखी है। क्या होता है महाभियोग? हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजों को सरकार नियुक्त तो कर सकती है, लेकिन सीधे हटा नहीं सकती। इसके लिए महाभियोग की एक बेहद जटिल प्रक्रिया है। ऐसा इसलिए है कि जजों पर फैसला देते हुए किसी तरह का दबाव ना रहे। खैर, जरूरत पड़ने पर किसी जज को हटाने के लिए जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 के तहत महाभियोग का प्रावधान है। सबसे पहले महाभियोग का प्रस्ताव लाया जाता है। इसके लिए 100 लोकसभा या 50 राज्यसभा सांसदों का समर्थन चाहिए होता है। प्रस्ताव स्वीकार होने के बाद लोकसभा स्पीकर या राज्यसभा के अध्यक्ष एक जांच कमेटी बिठाते हैं। इसमें 3 लोग शामिल होते हैं, एक सुप्रीम कोर्ट का जज, एक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और एक गणमान्य नागरिक। कमेटी की रिपोर्ट में जज दोषी साबित होते हैं तो उन्हें हटाने के लिए वोटिंग होती है। दोनों सदनों में यह प्रस्ताव 2/3 से पास हो जाए तो जज बर्खास्त हो जाते हैं। अब तक भारत में 3 जजों पर महाभियोग चला है। सुप्रीम कोर्ट के जज वी रामास्वामी, सिक्किम हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पीडी दिनाकरन, कलकत्ता हाईकोर्ट के जज सौमित्र सेन। लेकिन इन तीनों पर कार्रवाई पूरी होने से पहले इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। 2 और जजों जस्टिस जेपी परदीवाला और जस्टिस नागार्जुन रेड्डी के खिलाफ भी महाभियोग का प्रस्ताव आया था, लेकिन बात कमेटी और वोटिंग तक नहीं गई। दिल्ली टॉप शो में आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।